हेलो फ्रेंड्स, मैं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। 15 फरवरी को द इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपता है जहां पे ये बताया जाता है कि 2019 के आसपास से गवर्नमेंट ऑफ चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास लगभग 650 हाईटेक गांव बना रहे हैं और अपने जो सिटीजन्स हैं उनको वहाँ पर वो मूव कर रहे हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और हम समझेंगे कि आखिर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है। मगर आगे बढ़ने से पहले, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जब भी हम चाइना और भारत के बॉर्डर डिस्प्यूट को पढ़ेंगे तो एक चीज़ आप मान कर रखिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास आएंगे। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ और क्लेम करेगा, गवर्नमेंट ऑफ चाइना कुछ और क्लेम करेगा, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में जो LAC का जो रीजन है वो लगभग 3300 किलोमीटर का है। अगेन, ये भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी डिस्प्यूटेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ और क्लेम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ चाइना कुछ और क्लेम करता है, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वो म्यूचुअली अग्रीड बॉर्डर नहीं है, इसलिए बहुत सारे पॉइंट्स को लेके बकझक हमेशा होता रहता है। ज्योग्राफिकल बेसिस पे भारत और चाइना का जो LAC रीजन है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लद्दाख से, क्योंकि उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन वेस्ट हो जाता है, और उत्तराखंड और हिमाचल ये मिडिल हो जाता है, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आपका ईस्टर्न हो जाता है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तिब्बत, इन सब जगहों को चाइना अपना हिस्सा मानता है और समय दर समय फर्जी मैप बना के क्लेम भी करता रहता है। और एक चीज़ आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा कि जो डिस्प्यूट होता है, जो बकझक होता है इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स को लेके या उनके बीच में, वो आपका लद्दाख में होता है या तो आपका अरुणाचल प्रदेश के आसपास में होता है। जो इंडियन एक्सप्रेस में जो इन्फॉर्मेशन छपा है वो ये छपा है कि एज़ कम्पेयर टू लद्दाख ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। लगभग 650 हाईटेक गांव को बनाया जा रहा है। हाईटेक गांव का मतलब क्या होता है? तो एक तो जो उसका स्पेस रहता है वो बड़ा रहेगा, और उसमें ऑल वेदर सर्वाइव करने का जो फैसिलिटी होता है वो रहता है, क्योंकि ना ही तो अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके बारे में ऑफिशियली या प्रेस नोट में कुछ कहा है, ना ही तो कभी गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने कुछ कहा है। तो एकदम से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि द इंडियन एक्सप्रेस में जो इन्फॉर्मेशन छपा है वो उनके सोर्सेज के हिसाब से छपा है। तो बहुत बार क्या होता है ना कि इन्फॉर्मेशन क्योंकि ऑफिशियल ना हो, इसलिए कोई भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बताने से थोड़ा सा बचता है। लेकिन एक बात में तो कहीं से कोई संदेह नहीं है कि बीते कुछ सालों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। चाइना की तरफ से भी काफ़ी हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी काफ़ी हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग हो गया, या लोहित वैली हो गया, या सियांग वैली हो गया, इन सब रीजन के आसपास में गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने खूब सारे मल्टीपर्पज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए, जिसमें कि रोड है, टनल है। क्योंकि भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वो आपका LAC, ये कहने का मतलब है कि वो डिस्प्यूटेड है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स होते हैं उनके बीच में जो झड़प होता है वो बहुत ही कॉमन फिनोमिना होता है। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कैजुअल्टी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वो सब न्यूज़ पब्लिक डोमेन में आता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कहीं पे कोई कैजुअल्टी ना हो तो वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आता है, बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजन, जो कि कोई भी एक पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है कि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा ना कि उसका जो डिफेंस रिलेटेड इश्यूज है या न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में आए। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या तो जो हमारे इंडियन ट्रूप्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगेन, ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कह पाना मुश्किल है कि गवर्नमेंट ऑफ चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो ज़्यादा है या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं खास करके आपके अरुणाचल सिक्किम वाले रीजन पे, वो ज़्यादा है। लगभग 650 विलेजेस गांव हम लोग भी बना रहे हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वहाँ पे हाईटेक विलेजेस बना रहे हैं, जिस विलेज का इस्तेमाल ऑफकोर्स मिलिट्री पर्पस के लिए भी हो और उसका इस्तेमाल जो सिविलियंस है उनके लिए भी हो। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसको न्यूज़ में उतना बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया जाता है। बढ़ा चढ़ा के दिखाने से कितनी बार क्या होता है कि वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, तो और भी लोग उसको मॉनिटर करना शुरू करते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सारे के सारे जो देश होंगे वो भारत के साथ ही होंगे,
तो ऑफ कोर्स बहुत सारे डेवलपमेंट आपको करने होते हैं जहां पे जो आपके दुश्मन देश है उनको बहुत लेट में पता चले या तो उनको पता ही ना चले। 3 मेजर हाईवे का डेवलपमेंट किया जा रहा है। सबसे पहला आपका है ट्रांस अरुणाचल हाईवे, दूसरा है आपका फ्रंटियर हाईवे, तीसरा है आपका ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो हम अगर ये सोचे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भी बहुत तरीके का जो बॉर्डर पेट्रोलिंग का जो इक्विपमेंट्स होता है उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं जो बॉर्डर रीजन के आसपास रहते हैं उनसे जो हमारा मिलिट्री है या जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं उनसे काफ़ी अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन चैनल बना रहे, जो जानकारी है वो हमारे पास पहुँचता रहे। क्योंकि द इंडियन एक्सप्रेस का इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मेंशन किया गया है, उसके पीछे का वजह एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली बहुत कुछ कहा नहीं है, तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली कुछ ना कहे तो इतने कॉम्प्लेक्स मुद्दे पे कोई भी इन्फॉर्मेशन को छापने से कोई भी बचता है। तो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।